दोस्तों क्लास 9th मैथ में चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 जो है इसको क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो है क्वेश्चन फर्स्ट में ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है और ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी ट्रायंगल है। आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, यानी कि बीसी जो है सेम बेस, दोनों का बेस सेम है एंड वर्टिसेस जो है ए एंड डी, ए और डी जो है आर ऑन द सेम साइड पे हैं। फिगर में 7.39 में दिया हुआ है, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड, इफ ए डी जो है इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, बी सी पे जो है ये एक्सटेंड किया जाता है तो ये पी पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करता है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन में शो करना है कि ए बी डी, ए बी डी, उसके बाद जो है ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट का फर्स्ट कि हमको वी हैव शो दैट, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज आइसोसेल्स, आइसोसेल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर जो है ए सी के है, यानी कि ये गिवेन है, दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है डी बी सी जो है, सिंस डी बी सी ट्रायंगल जो है, डी बी सी, डी बी सी जो है ये इज आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बी डी बराबर जो है डी सी, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस ए डी बराबर जो है ए डी, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन इसको हम कह सकते हैं। तो जब ये कॉमन है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो है ट्रायंगल जो है ए ए बी डी, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे दोनों जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि कह सकते हैं कि बाय रूल, बाय यस यस रूल होल्ड, कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी सी जो है आइसोसेल ट्रायंगल है और डी बी सी भी आइसोसेल ट्रायंगल है, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और डी बी बराबर डी सी, यानी कि ए बी डी और ए सी डी में ये बी डी और सी डी जो है दोनों बराबर हैं और ए बी और सी डी ए सी बराबर हैं और हमारा ए डी जो है एक दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए जो हमारा ये ट्रायंगल जो है दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है आइसोसेल ट्रायंगल हो जाएंगे, सॉरी ये कांग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो यस यस रूल होता है, ट्रिपल यस रूल होता है, साइड 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 जो है ये सब बराबर हैं, इसलिए जो है ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, उसके बाद ए सी पी, इसको कांग्रुएंट हमको दिखाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि ए यहाँ पे ए बी पी, यानी कि ए बी पी यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स आइसोसेल्स कह सकते हैं यहाँ पे जो है ए सी बराबर जो है सॉरी ए बी बराबर जो है ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए सी एसी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको यही ट्रायंगल प्राप्त करना है ए बी पी और ए सी पी, ये ट्रायंगल करना कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि ए डी ए पी बराबर जो है ए पी बराबर जो है ए पी, ये क्या है आपका कॉमन है, ये कॉमन है, इसको कॉमन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है जब ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि जब हमारा ए बी सी डी जो ट्रायंगल जो है दोस्तों ये यानी कि ए बी सी जो है ट्रायंगल है यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी वर्टिसेस का इसका हाफ करने पर जो है ये हमारा जो है ये बाइसेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि बी सी वर्टिसेज ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड, वर्टिसेज जो है सेम साइड पे हैं, और उसके बाद जो है ये पी तक जो है इसको बढ़ाया जाता है, इंटरसेक्ट बी सी पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा जो है ये साइड जो है बराबर है तो ये एंगल भी हमारा बराबर होगा, यानी ए सी और ए बी जो बराबर है तो हमारा ये एंगल भी बराबर होगा, और ये एंगल बराबर होगा तो इस एंगल का हाफ करने पे इस एंगल का हाफ करने पे यहाँ पे जो है यहाँ पे बी पी और बी सी बी जो है सी पी जो है ये बराबर हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री का हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर जो हम कह दें कि हमारा ये यक्स है तो ये हमारा जो है पूरा एंगल जो है वाई हो जाएगा, ये हमारा पूरा एंगल वाई हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि जब ये बाइसेक्ट करता है इस बी सी को वर्टिसेस को, ये तो दिया नहीं है लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल मान लीजिए हमारा एक्स वन है और ये हमारा ट्रायंगल जो है वाई वन है दोस्तों। तो ये ट्रायंगल को हम निकाल लेंगे कि ये हमारा ट्रायंगल कितना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है मान लीजिए हमारा ये जेड है, ये ट्रायंगल हमारा जेड है, तो हम कह सकते हैं ये यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाई बराबर ये भी वाई होगा ये भी वाई होगा दोस्तों ये एंगल। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एक्स प्लस वाई बराबर जो है ये अगर जो हमारा जेड है तो ये 180 माइनस जेड होगा दोस्तों, या कह सकते हैं कि ये जेड वन है ये जेड वन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर जो है हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा जेड वन हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जेड वन जेड बराबर जो है एक्स वन प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जेड वन बराबर जो हो जाएगा यहाँ से जेड वन कह सकते हैं एक्स प्लस वाई यहाँ पे जेड वन बराबर जो कह सकते हैं एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हम कह सकते हैं जेड जो है हमारा एक्स वन प्लस वाई जेड यानी कि इसको काट देंगे यानी कि हमारा ये जेड बराबर हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हम ये कह सकते हैं कि तो दोस्तों यहाँ पर हम जेड वन को लिख सकते हैं यहाँ पे जेड वन को लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई बराबर जो है 180 माइनस जेड के फार्म में इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 180 अंश होगा। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं अब चूंकि यहाँ पे जो है अब इसको जेड बराबर एक्स वन प्लस वाई कह सकते हैं हम यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं कि अगर जो जेड का वैल्यू यहाँ पे रख दें कि एक्स प्लस वाई बराबर जो है 180 माइनस जो है यानी कि यहाँ पे हम जो है जेड बराबर लिख सकते हैं एक्स वन प्लस वाई यानी कि माइनस एक्स वन माइनस वाई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं
इसको अगर जो हम इधर लेके चले जाएं, यानी वाई को इधर इधर लेके चले जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन और ये इधर हो जाएगा टू वाई, टू वाई हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 180 अंश ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स जो है हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स लिख सकते हैं कि हमारा वाई जो है, यानी कि 180 अंश माइनस जो है 2y लिख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हम ऊपर वाले में सिद्ध कर चुके हैं, जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है आपका, इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो है, यानी कि आपका x1 और x2 जो x1 और x1 बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, और प्लस 2y बराबर जो है इसको 180 अंश लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर जो है आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब ये x प्लस y बराबर 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि x प्लस y ये 90 डिग्री होगा दोस्तों, तो z यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं z भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये चीज़ जो है यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जेड भी आपका 90 डिग्री होगा। तो जेड जब आपका 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, यानी कि आप चाहे राइट एंगल ट्रेंगल से भी आप कह सकते हैं कि ये आपका आइसोसेल्स ट्रेंगल, ये आपका कांग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे जो कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो है, या ये भी कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो है, यानी कि BAP जो है आपका ये बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में, ट्रेंगल BAP किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हो जाएगा ये ACP के, यानी कि ट्रेंगल जो है ट्रेंगल ACP के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंगल होगा, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि ट्रेंगल जो है, हेंस ट्रेंगल ABP जो है हमारा इस कांग्रुएंट टू ट्रेंगल ACP। दोस्तों ये जो है इस प्रकार से जो है ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या सिद्ध करना है, तीसरा जो है AP बाइसेक्ट ट्रेंगल A, यानी कि AP जो है क्या करता है, बाइसेक्ट ट्रेंगल A एज वेल ट्रेंगल D, यानी कि ट्रेंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है और ये भी बाइसेक्ट करता है दोस्तों, यानी कि ये एंगल जो है, एंगल बराबर हम कर देंगे तो ये बाइसेक्ट सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एपी जो है बाइसेक्ट करता है, एपी बाइसेक्ट करता है ट्रेंगल ए को, एज वेल एज ट्रेंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ट्रेंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, इसको जो है हमको सिद्ध करना है, ट्रेंगल बाइसेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ये जो बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं कि सिंस यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो है ए बी पी ये जो है कांग्रुएंट है ट्रेंगल ए सी पी के दोस्तों, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट कि एंगल बी ए पी बराबर जो है एंगल हो जाएगा ए, यहाँ पे कह सकते हैं सी, ट्रेंगल सी ए पी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ट्रेंगल बराबर हो जाएगा। तो ये जब ट्रेंगल आपका बराबर है तो हम कह सकते हैं, और उसके बाद जो है डी, यानी कि डी को भी करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस ट्रेंगल बी डी सी जो है, बी डी सी जो है, ये इज आइसोसेल्स ट्रेंगल है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है बी डी बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी सी के हो जाएगा,
तो बी डी और डी सी की जो बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये ट्रेंगल आप देख सकते हैं कि बी डी सी, यहाँ पे आपका डी पी जो है कामन है, डी पी कामन है, तो यहाँ पे यानी डी पी जो है हमारा डी पी ये क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इस प्रकार से हम और बी डी बराबर डी सी हमारा है दोस्तों। और यहाँ पे हम सिद्ध कर चुके हैं कि ट्रेंगल जो है पी जो है हमारा 90 डिग्री है, यानी डी सी बराबर ये, तो ये एंगल जो है यानी कि इसके सामने का जो है ये एंगल दोस्तों, ये एंगल यानी ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं यानी एक्स है ये, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो है ये जो है एंगल और ये जो है ये एंगल एंगल बराबर है, तो कह सकते हैं कि ये एंगल भी इसके बराबर होगा, तो जो कुछ भी आएगा यानी कि ये एंगल जब इस एंगल के बराबर हो जाएगा, डी ए सी जो है और डी सी पी जो है इसके बराबर है, तो ये एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ये एंगल बराबर थे, तो यक्स ये भी है, ये भी यक्स है, तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ए पी सी जो है यहाँ पे सिंस हम सिद्ध कर चुके हैं कि ट्रेंगल जो है ए पी सी जो है हमारा ये 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों, यानी 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद जो है तो ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल जो है हमारा ये आइसोसेस ट्रेंगल है, और इसको जो है हम डी बी सी को कांग्रुएंट सिद्ध कर देंगे दोस्तों, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल जो है हमारा बी डी पी और इस कांग्रुएंट टू ट्रेंगल, इस कांग्रुएंट टू ट्रेंगल सी सी डी, ट्रेंगल सी डी पी दोस्तों ये कांग्रुएंट हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि हेंस ट्रेंगल जो है बी डी पी बराबर हो जाएगा हमारा, ट्रेंगल सी डी पी यानी ये ट्रेंगल दोस्तों, ये ट्रेंगल के जो है बराबर हो जाएगा जब ये आइसोसेल ट्रेंगल हो जाएगा, तो दोस्तों हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि यानी कि ए पी जो है क्या करता है, ए पी बाइसेक्ट बाइसेक्ट्स ट्रेंगल ए एंड ट्रेंगल डी, यानी इन दोनों को बाइसेक्ट करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, ए पी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए पी, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये चौथा है, तो चौथा जो है हम कह सकते हैं कि ए पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंस ट्रेंगल जो है हमारा, ट्रेंगल जो हमारा बी डी पी इज कांग्रुएंट टू ट्रेंगल सी डी पी, सी डी पी ट्रेंगल की ये कांग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेंगल बी और डी बी डी पी बराबर जो हो जाएगा हमारा एंगल सी डी पी के दोस्तों, यानी ये एंगल जो है ये एंगल बराबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है ये एंगल बराबर हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों ये डी पी सी ये आइसोसेल ट्रेंगल है, यानी डी बी डी सी जो है आइसोसेल ट्रेंगल है, तो यहाँ यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि बी बी डी बराबर जो है हमारा डी सी के है, डी सी के है। उसके बाद जो है दोस्तों अगर जो हम मान लेते हैं कि हमारा ये यक्स है और तो ये भी एक्स होगा, ये दोस्तों वाई है तो ये भी वाई होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक्स प्लस वाई बराबर जो है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर जो हमारा हो जाएगा, अगर जो ये जेड है, ये जेड है तो इसको दोस्तों हम सिद्ध कर चुके हैं कि अगर जो जेड है तो हम इसको जो है यानी कि ये 180 अंश माइनस जेड हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि ये 180 माइनस जेड हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है ये भी कह सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर जो है हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर जो है ये जो हमारा अगर हम इसको जेड मान लें, ये 180 माइनस जेड हो जाएगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के बराबर है, यानी कि अगर जो हम इसको जेड वन मान लें दोस्तों, जेड वन मान लें, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा, इसको हम जेड वन भी कह सकते हैं,
एक्स प्लस वाई बराबर जो है हमारा जेड भी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जेड बराबर जो है 180 अंश माइनस माइनस जेड हो जाएगा। यानी कि इधर जेड ले आएंगे तो टू जेड बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस, यानी जेड बराबर दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये 90 डिग्री हमारा जब निकल चुका है तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि एपी इज ए परपेंडिकुलर, हेंस इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हेंस एपी हमारा जो है एपी इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ बीसी, यानी ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन फर्स्ट जो है सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।